लगता है कि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, हम जिस दौर में रह रहे हैं, आज शिक्षा का स्तर बहुत ऊपर उठ गया है। बहुत पहले की बात है, जब आश्रम थे उस समय फेयरवेल आश्रम, फेयरवेल गुरुकुल, और आश्रम में विद्यार्थी जाके पढ़ते थे। ये बहुत पहले की बात है। जब अगर आप किसी किंग के बेटे हो, आप राजकुमार भी हो, आपको आश्रम में जाके ही पढ़ना पड़ता था। लेकिन आज वही आश्रम, वही गुरुकुल चेंज हो गए हैं। आज के दौर में हम स्कूल में आते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हमें टीचर्स पढ़ाते हैं। मुझे बस एक बात हमेशा बुरी लगती है कि आज इस 2019 के साल में भी मैं एक बात पे गौर करता हूँ हमेशा से, कि द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, द स्टडी ऑफ गर्ल्स, दैट इज नॉट डेवलप्ड। वो कहीं ना कहीं से मिसिंग है, थोड़ा सा तो कम है। अपने हम गाँव की बात करें, आज भी गांव में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जिन्हें शायद पढ़ने का अधिकार नहीं है। मुझे बुरा लगता है, पता नहीं उनके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, या फिर उनको ऐसा उनकी थिंकिंग चेंज क्यों नहीं होती है कि मेरी बेटी भी कुछ पढ़े, मेरी बेटी भी पढ़ाई करे, IAS बने, IPS बने, और मेरे गाँव का, मेरे परिवार का नाम ऊपर ले जाए। आखिर ये सोच कब बदलेगी? हमारा भारत देश वो देश है जहाँ पे लड़की पैदा होने के बाद में लोग पार्टी नहीं करते हैं, बल्कि थोड़ा सा उससे क्या हुई है, लड़की हुई है, उनका मुंह जैसे बन जाता है, क्या हुआ, लड़का हुआ है, पार्टी करनी है, दावत देनी है। इस सोच को चेंज कर रहे हैं हमें। लड़की हुई है तो लड़की तो पूरे देश को चलाती है, लड़की पूरे वर्ल्ड को चलाती है। अगर आप कैसे भूल रहे हो, द गर्ल, अ गर्ल प्लेस यू नो सो मेनी रोल्स इन द लाइफ। किसी की बहन है, किसी की बेटी है। Of course, a girl, you know, has so many parts, characters, a daughter, sister, you know, you can say, किसी घर की शान है, बहू है, वो कितना रोल प्ले करती है, एक माँ का रोल अदा करती है, बेटी, लड़की होती है। आज भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि चेंज होने की जरूरत है। जब एक बेटी पैदा होती है तो पिताजी के सिर पे सिर्फ एक टेंशन होता है, अब इसके लिए दहेज का इंतजाम करना है। अब दहेज कैसे हम जुटाएं? बचपन से लेके बच्चे के बड़े होने तक उसके पिताजी दहेज का अरेंजमेंट करते हैं। खुद तो फटी हुई टी शर्ट या बंडी पहन लेते हैं, बट बेटी के लिए इंतजाम करते हैं। खुद तो सिंपल फोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेटी के लिए पढ़ाई में कोई कमी नहीं करते हैं। पढ़ाई क्या